मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को सिर्फ 9 दिन बचे हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ और छतरपुर जिले की बलामड़हरा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा तो वहीं अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जैसे तैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ पहुंचे। उन्होंने सुर्खी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दशहरा मैदान ब्लॉक कॉलोनी में आयोजित की गई थी। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पीसीसी चीफ कमलनाथ को सुनने सभा स्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही अपने संबोधन में कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना भी साधा तो वहीं अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा पहुंचे। आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल राम मंदिर की चर्चा पूरे देश में चल रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में विकास का कोई रोड मैप नहीं बचा के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि धर्म आचार विचार का विषय है, राजनीति प्रचार का विषय नहीं है और धर्म को राजनीतिक मंच पर लाना धर्म का अपमान है। बालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।